हेलो गाइस, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं ये आप लोगों को मेकअप स्टार्टिंग में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारा व्लॉग वीडियो है और हमें जाना है कहीं बाहर, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है टोनर, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट मेकअप करके जाती हूँ और मैं कोई भी फाउंडेशन क्रीम नहीं लगा के जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है तो मैं नहीं लगाती। तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पाउडर लगा लूँगी, वाइट टोन पाउडर है, और फिर हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने और कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा भारी भारी चीज़ें पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद आईज़ मेकअप कर लेंगे थोड़ा बहुत जिसे करना है, आईलाइनर लगा लेंगे, थोड़ा सा काजल लगा लेंगे। और ग्लिसरीन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सर्दियों का मौसम है और हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता है ग्लिसरीन और बहुत नमी बना के रखता है, तो ग्लिसरीन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं हमेशा ग्लिसरीन ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। फिर इसके बाद काजल लगा लिए हमने और थोड़ा सा आईब्रो शेडिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं मेकअप करके कहीं भी बाहर जाती हूँ बहुत ज़्यादा लाइट वेट, ताकि मुझे मेकअप की वजह से परेशान ना होना पड़े कहीं, इधर से ऐसा लगता है ना कभी गर्मी इधर से निकल रहा है। मैं रेडी हो गई, बहुत ज़्यादा इचनेस होने लगता है। अब बारी है तो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैं इतना बता देती हूँ हमें कहाँ जाना है। हमें जाना है गोल्ड मार्केट और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का गोल्ड मार्केट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ यहाँ पे ना पूरा लाइन से गोल्ड गोल्ड का ही शॉप ही रहता है, यहाँ पे हर चीज़ का ना बटा होता है, जैसे गोल्ड मार्केट है तो पूरा गोल्ड मार्केट ही मिलेगा आप लोगों को, और कपड़े का मार्केट है तो ओनली कपड़ा ही मिलेगा, मशीन का मार्केट है तो मशीन ही मिलेगा, इस टाइप का मार्केट है यहाँ पे। तो बस वही दिखाऊंगी आप लोगों को और फिर लास्ट में बताऊंगी कि मैंने क्या लिया, मुझे क्या गिफ्ट मिला है। और मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिए ये रोज़ है और इतना प्यारा कलर ना, बिल्कुल नेचुरल कलर है, इसमें कोई भी मतलब मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाला है, बिल्कुल नेचुरल कलर है, आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में, क्योंकि ये ना अंदर से लेकर बाहर तक सब अपने ही कलर में है, इसमें कोई डार्क लाइट नहीं है, एक ही शेड में है, बिल्कुल पिंक कलर है। मुझे बहुत प्यारा लगा, सुंदर लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना क्या यहाँ का। तो चलिए अब हम चलते हैं आप लोगों को लेकर। मैं ना यहाँ पे इन दोनों डॉग का वीडियो ले रही थी, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना क्यूट लग रहे हैं दोनों, एकदम मुंडी ला रहे हैं ये बाद पहुंच गई थी गोल्ड मार्केट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से गोल्ड मार्केट है और रात के 9:30 बज चुके थे हमें वापस आने में, वापस में हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, तभी बहुत सारे मतलब शॉप बंद हो चुके थे, 3-4 खुले थे, बस उन्हीं का मैं ले पाई, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत सारे शॉप बंद हो चुके थे गाइस। और दिन में मैंने बनाया नहीं क्योंकि जब आई तो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, कोई क्या बोलने लगते हैं ना, सब लोग देखने लगते हैं आखिर ये पूरे गोल्ड का ही क्यों वीडियो बना रही है, इसलिए नहीं बनाया मैंने। फिर हम लोग वापस आ गए थे और शॉप में भी बहुत देर लग गया था मुझे लेने में, आप लोगों को तो पता ही है गोल्ड वगैरह लेने जाओ कुछ भी ज्वेलरीज में तो बहुत टाइम लग जाता है देखने में,
तो फिर हमने लेकर फिर वापस आ गए थे हम। शॉप के अंदर का मैंने नहीं लिया क्योंकि वो गाइस आप लोग समझ सकते हैं वो कपड़े का मार्केट नहीं था कि हम ले लें। वीडियो कोई मना भी कर देता तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो हमने पहले से ही नहीं लिया उन लोगों और का। ये देखिए तनिष्क का एक और यहाँ पे ब्रांच है, लग रहा है ना कि तनिष्क का यहाँ पे 2-3 ब्रांचेज होंगे। तो चलिए सो अब हम गाइस घर पे फाइनली पहुँच हम चुके घर पे हैं। आ गए हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी मैंने बताया कि वहाँ पे इतना क्या होता है ना कि गोल्ड गोल्ड मार्केट में ना इतना हम वीडियो फोटोज नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं क्या डाउट कोई कर ले, तो वो लोग पता नहीं क्या सोच ले कि ये सारे वीडियो क्यों बना रहे हैं सारे मार्केट का। तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग तो बस शॉप में जाने आने में ही रह गए थे। और जिसमें भी जा रहे थे आप लोग को पता है कि जब भी आप गोल्ड डायमंड कुछ भी लेने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम भी हो गया था। और फिर जब हम लोग निकले तो देखा कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे और 9:30 बजे यहाँ पे सारे मार्केट बंद होने लगते हैं। तो सारे मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके थे क्योंकि वो जितना मैंने दिखाया ना पूरा लाइन से गोल्ड मार्केट ही है वो, लेकिन सारे बंद हो गए थे। 3-4 अभी खुले थे तो बस मैंने उनका ही ले लिया क्योंकि आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी, इसलिए मैंने ले लिया। अगर नहीं दिखाती तो आप लोग बोलते क्या झूठी मूठी बोलती रहती हैं। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत देर से सस्पेंस बना के रखे होंगे ना, तो मैं दिखा देती हूँ कि मुझे क्या मिला है गिफ्ट में। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है एक पायल जो कि बहुत ही देखो मैंने पहन लिया है, बड़ी जल्दी थी मुझे, पहन लिया था मैंने वहीं पे क्योंकि बहुत छोटा है ये, छोटा नहीं मतलब बहुत पतला है, मुझे घर पे पहनने के लिए ली हुई ये। और ये क्या है ना कि मेरे पास पहले एक था, मुझे ना पतले पायल ही अच्छे लगते हैं घर पे पहनने के लिए, ज़्यादा मोटा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मोटे मोटे चौड़े चौड़े पायल बहुत सारे रखे हैं मगर पतले ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने ये एक लिया है जो कि बहुत ज़्यादा पतला है, इसमें इस तरीके से स्टार बने हैं इस तरीके से, जो कि क्या होता है ना कि शूज़ वगैरह पे पहनने के लिए ना बेस्ट रहता है क्योंकि शूज़ मैं तो शूज़ वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ तो पैरों में लगने लगते हैं अगर चौड़े पायल पहनेंगे तो। तो हमने ये एक पतला सा पायल ले लिया है अपने लिए, तो इसका रेंज मैं बता दूंगी अभी। और सेकेंड हमारी है जो कि थोड़ी महंगी है, मेरे लिए तो महंगा है बट जिसके पास जो जिनके पास होगा पैसे होते हैं तो उन लोगों के लिए तो महंगा नहीं होगा बट मेरे लिए महंगा है, तो मेरे लिए तो बड़ी बात है भाई। देख लो सेकेंड है हमारा ये चैन, जो हमने चैन लिया है इस तरीके से इसका डिजाइन है। आप लोगों को इसको ना मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी क्योंकि ऐसे दिख नहीं रहा होगा, इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसका वेट मतलब ज़्यादा है इसलिए थोड़ा मजबूत जो चीज़ रहता है ना तो वो थोड़ा दिखने में वही रहेगा क्योंकि ये बहुत मजबूती में मैंने लिया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंदर से खाली हो ऊपर से बहुत मोटे मोटे चीज़ ले लो और ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है टूट जाए, ऐसा नहीं चाहिए रहता मुझे। तो मैं दिखने में भले ही थोड़ा कैसा भी लगे लेकिन मैं मजबूत चीज़ें लेती हूँ, तो मैं अभी बैक कैमरा से दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसका ये जो है ना ये बहुत ज्यादा भारी है, इसकी वजह से इसका वेट ज्यादा हो गया है, देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी पायल दिखा देती हूँ। ये देखिए पायल कुछ इस तरीके का है, तो गाइस ये है हमारे हस्बैंड ने हमें गिफ्ट दिया है जो कि एनिवर्सरी गिफ्ट है। एनिवर्सरी हमारी 28 तारीख को थी, पिछले 28 तारीख को, बट हम लोग कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, ना हमने दिया था ना उन्होंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था क्योंकि
उस टाइम थोड़ा ये बाहर भी चले गए थे और थोड़ा सा पैसे का नहीं एडजस्ट करना पड़ता है यार हम लोगों को, क्योंकि हम लोग फैमिली को भी देखना पड़ता है। हम लोग दोनों लोग यहाँ पे रहते हैं बट फिर भी हमें फैमिली को भी देखना पड़ता है हर चीज़ पैसे वैसे के लिए। तो बस आज हमें ये गिफ्ट मिल गया है तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग को इसका डिज़ाइन कैसा लगा? तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे ना कि रेंज कितना है इसका, रेंज बताइए। तो मैं रेंज तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि दिखावा करते हैं, इसलिए मैंने दिखावा इसमें बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि मुझे आप लोगों से छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें शेयर करनी है, क्योंकि जो व्लॉगिंग करते हैं ना उन्हें यह सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की छोटी और बड़ी चीज़ें सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो मैं इनका रेंज नहीं बताऊंगी बट बता देती हूँ ये कितना है। इसका वेट है 10 ग्राम का, तो 1 तोला बोलते हैं बट इसका वेट है 14 ग्राम, मतलब 14 ग्राम का है ये। और मान के चलो 1.5 तोले तक है, 1.5 तोले से थोड़ा सा कम है ये, बट इसका वेट ही इतना था तो मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे पसंद आ गया था यही। और आप समझ सकते हैं कि कितना हो सकता है इसका रेंज। और आज के डेट में इसका सोने का भाव है 38,000 पर तोला था, तो आप लोग ये 1.5 तोले और से आप थोड़ा कम लोग है तो को आप लोग पायल खुद का ही बता जोड़ देती लेना। हूँ, पायल का वैसे तो ज़्यादा का नहीं है, 1900 का पायल है, मतलब 2000 के अराउंड है ये, 1900 का है तो कितना हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को अपना ये चेन पहन के दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे बहुत दिन से मैंने कुछ पहना नहीं था, इसीलिए ये नहीं पहना था मैंने। मैंने ये डिज़ाइन ना, मैं गई थी चेन लेने बट ये डिज़ाइन ले लिया क्योंकि मुझे ये मंगलसूत्र टाइप का लग रहा था। और ये वाली चेन ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये मंगलसूत्र का काम भी करता है और चेन का भी, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया। तो यही थी हमारी गिफ्ट। और कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे आप लोगों से जानना है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट शेयर, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।